विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खुद के गृह क्षेत्र चंपावत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चंपावत जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुल न होने की वजह से टायर की ट्यूब के सहारे ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र चंपावत के टनकपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। वायरल वीडियो पर स्थानीय निवासी हेमराज ने कहा कि हमें हर साल बरसात के महीनों में 3 माह तक इसी प्रकार जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। हमारी तरफ से शासन प्रशासन से इस नदी पर पुल बनाने की मांग की गई है, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। एसएसबी का राशन आए, ढोते हैं, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। आर्मी वालों का राशन भी इसी में से जाता है क्यों? अच्छा, ठीक, मतलब समस्या ये कौन सा नाला हुआ है? लदिया नदी। अच्छा, मतलब जो जान में जान रुपये में डाल के अपनी जिंदगी को गांव में लगा के अगर चल लेगा तो ठीक है, अदरवाइज वही। वहीं इस मामले पर प्रभारी जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने संज्ञान लेते हुए टनकपुर पूर्णागिरी तहसील के उप जिला अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस प्रकार नदी पार करने पर रोक लगाई जाए। साथ ही जिला अधिकारी वर्मा ने संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी संबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जिला अधिकारी ने एक समिति का गठन किया है जो स्थलीय निरीक्षण कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करते हुए जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सौंपेंगी। इस संबंध में तत्काल एसडीएम पुनागिरी को निर्देश दिए हैं कि इसके देखते हुए वहां पर जो इस प्रकार से असुरक्षित रूप से नदी पार कर रहे हैं उस पर रोक रहा है। हम पीआईओ और पीडब्ल्यूडी से बात कर रहे हैं कि उनका कोई प्रस्ताव गया है तो उस पर रैपिडली इस तेजी से कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।